बागी बन चुका है और पूरी दुनिया में घूम घूम कर किसी को भी मार रहा है। बॉर 2 2025 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म अपने ऐलान के बाद से ही काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म को लेकर नई नई जानकारियां सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फिल्म की शूटिंग की भी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसे देख फैंस काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं अब फिल्म की शूटिंग को लेकर एक बार फिर दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जो इसके क्लाइमैक्स से जुड़ी हुई है। ऋतिक रोशन साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR के साथ बॉर 2 के रोमांचक क्लाइमैक्स की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो नवंबर 2024 में शुरू होने वाली है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म काफ़ी उत्साह पैदा कर रही है, क्योंकि इसमें पहली बार भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारे एक साथ आ रहे हैं। इस परियोजना का फिल्मांकन फरवरी 2024 में शुरू हुआ और तब से ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर हो चुका है। वहीं अब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि YRF वर्तमान में प्री प्रोडक्शन में व्यस्त है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे भव्य क्लाइमैक्स सीक्वेंस में से एक होने की उम्मीद है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR एक गहन शूटिंग अवधि की तैयारी कर रहे हैं, जो नवंबर 2024 के पहले सप्ताह में शुरू होगी। इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस का एक हिस्सा मुंबई में फिल्माया जाएगा, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसी जगह पर फिल्माया जाएगा जिसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग 20 दिनों की अवधि में होने का अनुमान है। इसके लिए ऋतिक ने शारीरिक बदलाव भी किए हैं। वह शक्ति और गति प्रशिक्षण के साथ साथ प्लायोमेट्रिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो उच्च ऑक्टेन एक्शन दृश्यों को प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही वह खास दृश्यों की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लाइमैक्स का अहम हिस्सा होगा। फिल्म में ऋतिक और जूनियर NTR के साथ कियारा एडवाने भी मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म में जूनियर NTR खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त 2025 को बड़े पर्दे पर आने वाली है।